है विधानसभा चुनाव में नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है, जिसको लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने बागियों को मनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से भेजी गई टीम बागियों से लगातार संपर्क कर रही है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बागियों की चर्चा भी हुई है, जिसमें से अब तक कुल 14 ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्होंने नामांकन वापस लेने को लेकर सहमति जताई है। फिलहाल कांग्रेस नेताओं की ओर से उन बड़े चेहरों पर फोकस किया जा रहा है जो पार्टी की हार का कारण बन सकते हैं। इसी के चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और मुकुल वासनिक भी जयपुर में मौजूद हैं। इस दौरान वे लगातार बागियों से संपर्क साध रहे हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2018 नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, 19 नवंबर तक नामांकन दाखिल करने की तिथि थी। इसके बाद स्क्रूटनिंग का दिन तय किया गया था, 20 नवंबर को स्क्रूटनिंग की गई और 22 नवंबर तय किया गया था नामांकन वापस लेने का। और आज 22 नवंबर तक जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान से बाहर जाना चाहते हैं वो अपना नामांकन ले सकते हैं। इसी के चलते दोनों ही पार्टियां अपने बागियों को मनाने में जुटी हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में जयपुर से संवाददाता जुड़ चुके हैं दिनेश कसाना। जी दिनेश, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आशीष, आज नामांकन प्रक्रिया नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है बागियों को मनाने के लिए। कांग्रेस की ओर से जो केंद्रीय चुनाव समिति ने टीम तैयार किया और टीम राजस्थान भेजी है, वो पूरी तरह से सजग होकर जो बागी प्रत्याशी हैं उनसे लगातार संपर्क में है और बागियों को किस तरह मनाया जाए उनकी मान मनुहार की जा रही है। उनको जो सत्ता में आने पर किस तरह उनकी भागीदारी रहेगी वो सारे लोग प्रलोभन दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो कल भी लगातार प्रदेश के जो बड़े नेता हैं और दिल्ली से गुलाम नबी आजाद और मुकुल वासनी जो जयपुर आए हैं वो उन नेताओं के संपर्क में हैं लगातार। ऐसे हमारे सामने कई नाम सामने आए हैं जिनके नाम पर सहमति बनी है, उन्होंने अपने नामांकन वापस लेने पर सहमति बनी है। विराटनगर से रामचंद्र सराधना है जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रराज गुर्जर का समर्थन किया है और अपना नामांकन वापस लेने की सहमति बनी है। ऐसे ही एक नाम पीपलदा से है भानु प्रताप, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस लेने की घोषणा की है। खंडेला से रामदेव सिंह है, वो उनके सहमति बन गई है कांग्रेस नेताओं से, वो नामांकन वापस लेंगे। खंडेला से एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का महादेव सिंह खंडेला अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे कई चेहरे हैं कांग्रेस के बड़े चेहरे जो पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो अगर मैदान में डटे रहते हैं तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में जो प्रदेश के बड़े नेता हैं और जो केंद्र चुनाव समिति की ओर से जो निर्धारित लोग हैं मुकुल वासनी और गुलाम नबी आजाद, वो भी उनसे लगातार संपर्क साधे हुए हैं। ऐसे कई महादेव सिंह खंडेला है, खंडेला से दूदू से बाबूलाल नागर है, सिरोही से संयम लोढ़ा है। ऐसे कई चेहरे हैं जो पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन लोगों से जो गुलाम नबी आजाद और मुकुल वासनी लगातार संपर्क साधे हुए हैं। जी आशीष जी, बिल्कुल दिनेश, जानना चाहेंगे कि कितनी ऐसी सीटें आपको नजर आ रही है जिन पे सहमति जता दी है बागियों ने और अब कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर आ रही है। देखिए अभी तक जो नाम सामने हैं 15 से 20 जगह जो बागी हैं वो अपना नामांकन वापस लेने के लिए लगातार अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, जो अपने अपने लोगों को मनाने में लगे हुए हैं। किस तरह से कांग्रेस के सामने बड़ी समस्या जो बागियों की थी वो पूरी तरह से इसी 2 दिन के प्रयास में लगे हुए हैं, कैसे उन बागियों को मनाया जाए और जो उनको लोभ लालच दी जा रही है, किस तरह उनकी सत्ता में आने पर भागीदारी होगी वो पूरी तरह से, किसी को MP का चुनाव लड़ाया जाएगा, किसी को बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाएगा, सारी बातें उनको पूरी तरह से पार्टी की तरफ लाया जाए और जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें वापस किया जाए। जी आशीष जी, कुछ बड़े चेहरे भी हैं बागियों के रूप में ताल ठोक कर मैदान में मौजूद हैं, क्या उनके भी नाम वापसी की चर्चाएं हैं या उनसे भी कोई संपर्क साधने के बाद सफलता मिल पाई है कांग्रेस को? बिल्कुल, ऐसे बहुत चेहरे हैं जो पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने आपको बताया, अभी पहले भी बताया, जैसे खंडेला से महादेव सिंह खंडेला है, विद्याधर नगर से विक्रम सिंह शेखावत है, दूदू से बाबूलाल नागर है, सिरोही से संयम लोढ़ा है। ऐसे और भी कई चेहरे हैं, आलोक बेनीवाल शाहपुरा से हैं,
ये जो पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।